Hello everyone, myself Diksha Kohli. Today I got my study visa from UK and my Middlesex University है जहाँ से मेरा ये visa आया and मेरे bachelor overseas से अपना visa apply करवाया and I completed 10th and plus 2 from Shriram Ashram Senior Secondary School and after that I completed BSc Economics from Guru Nanak Dev University and then I completed MS Economics from Guru Nanak Dev University and जो अभी मैंने Middlesex University से जो मैंने course लिया वो मेरा IBM course है International Business Management. ये जो course मेरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मेरी जो प्रीवियस स्टडी उसके साथ रिलेटेड है और मैंने ये अपना जो सारा जो स्टडी वीजा का जो प्लान था यूके जाने का ये मैंने वेस्टर्न ओवरसीज के थ्रू किया है. मैं यहाँ पर विजिट किया था मैंने और जब मैंने एमएससी कंप्लीट की उसके बाद मैंने पीटीई की और मेरी 58 ओवरऑल स्कोर है, 6.5 बैंड था मैंने और जब मैं यहाँ पर आई तो मैम ने सारा मुझे सारा बताया, उन्होंने मुझे सारा बताया कि कैसे कैसे आपने करना है और सारा मैम ने मेरी हेल्प की है. फिर उन्होंने सारा मुझे बताया कि कैसे कैसे आपने करना है, सारा उन्होंने मेरा प्रोसेस किया, जो मेरी लेटर आई है आगे सारा उन्होंने मुझे बताया और मैं बहुत खुश हुई ये वीज़ा लेकर और मेरी फैमिली भी मेरी सारे सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मेरे जो कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी में जो इंटरव्यू हुई थी वो मेरी 2-3 बार हुई और मतलब बीच में तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मेरी फर्स्ट टाइम उनको इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई थी यूनिवर्सिटी की. 4 टाइम्स मेरी हुई इंटरव्यू, 4th टाइम में जाकर मेरी ये इंटरव्यू क्लियर हुई है और मैं बहुत ज़्यादा बीच में नर्वस हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं सैड हो गई थी. मुझे था कि शायद अब नहीं हो सकेगा, मेरे से क्लियर नहीं हो पा रही थी बट मेरी फैमिली मेम्बर्स ने वेस्टर्न ओवरसीज के जितने भी मेम्बर्स हैं स्टाफ है सभी ने मेरे साथ कोऑपरेट किया है. इनके जो सर है उन्होंने भी मेरे साथ कोऑपरेट किया, मैं उनसे भी मिली थी तो उन्होंने भी मुझे बहुत मेरी हेल्प की, मुझे पूरा सपोर्ट किया कि नहीं कोई बात नहीं आपका हो जाएगा. फिर 4th टाइम में जाके मेरा जो इंटरव्यू है वो क्लियर हुआ है. उसके बाद फिर आगे सारा मेरा प्रोसेस चला है और उसके बाद मेरी वैसे इंटरव्यू भी आई थी और वो भी मैंने चलो क्लियर हो गई मेरी, उसमें भी थोड़ी सी बीच में आई प्रॉब्लम पर वो भी साथ में मतलब कि वो मेरा क्लियर हो गया था. मुझे सारा जो प्रॉब्लम आई वो भी मुझे सारा मैम ने सारा इनके स्टाफ ने पूरा सपोर्ट किया है और मेरी पूरी हेल्प की है. और मैंने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया था यूके का वीज़ा, फर्स्ट टाइम ही मेरा यूके वीज़ा आ गया और इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया और विदिन 10-15 डेज में जो है मेरा वो वीज़ा आ गया था और मैं बहुत खुश हूँ. मेरी फैमिली मैम बहुत खुश है और मैं यही चाहती हूँ कि जिसने भी अप्लाई करना है वो वेस्टर्न ओवरसीज में जरूर एक बार विजिट करें. थैंक यू.